कुशीनगर के सांसद विजय दुबे को बीजेपी ने दोबारा लोकसभा चुनाव 2024 का प्रत्याशी बनाया है। टिकट फाइनल होते ही सांसद विजय दुबे ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए सांसद विजय दुबे ने कहा कि सबसे पहले वे भाजपा के नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाया है और जनता की सेवा करने का अवसर दिया है। इसके साथ ही वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि कुशीनगर में 2020 के पहले कुछ नहीं था, वहां केवल भगवान बुद्ध का मंदिर था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की वजह से कुशीनगर में विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है और मेडिकल कॉलेज और कृषि विश्वविद्यालय बने हैं। इसके अलावा आधा दर्जन से ज्यादा फ्लाईओवर निर्माण हो रहे हैं। कुशीनगर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश बदनाम राज था, लेकिन आज के समय में यह उद्योगपतियों के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है। इस विकास की रफ्तार के साथ कुशीनगर भी विकास की रफ्तार पर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जो कमी रह गई है उसे पूरा करने के लिए उनका पूरा प्रयास है। वे जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे, यह वे सभी को भरोसा दिलाते हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 400 सीटें जीतेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के कुशीनगर के सांसद और लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशी विजय दुबे ने कहा। जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष जो भी हमारे नेतृत्व गण हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज, सभी शीर्ष गणों का और बाबा गोरक्षनाथ बाबा का प्रणाम करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, कुशीनगर में आप 2020 के पहले देखें तो बहुत कुछ था नहीं, भगवान बुद्ध की मंदिर थी। आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज के असीम कृपा से आज कुशीनगर में हम लोग कह सकते हैं कि विकास की बहुत योजनाएं, बड़ी योजनाएं धरातल पर उतारने में कहीं ना कहीं हमारी भी कामयाबी मिला, क्योंकि आज कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, मेडिकल कॉलेज है, कृषि विश्वविद्यालय, आप लोग जान रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का दूसरा कुशीनगर मैत्री परियोजना में आ चुका, फ्लाईओवर्स हमारे यहाँ आधा दर्जन से ज़्यादा निर्माण चल रहे हैं। आवागमन की बेहतर सुविधा अगर विकास की किरण को जन्म देती है तो ये देखना है तो कुशीनगर में आप लोग देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। कहने का मतलब, विकास कार्य जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 9-10 सालों में बीमार देश को जिस तरह दुनिया में गौरवशाली सम्मान दिलाए, विकासशील देशों के अग्रणी पंथ पर खड़ा किए, जिस तरह उत्तर प्रदेश एक बदनाम राज्य पूरे राष्ट्र में था, आज उद्योगपति और उद्योगपतियों के लिए, उद्योग नीति के लिए सबसे स्वर्ग सा जमीन को उत्तर प्रदेश दिख रहा है, तो इस विकास के रफ्तार के साथ कुशीनगर बढ़ा है। और मैं रेल की परियोजना हो, आवागमन का हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, लेकिन कुछ कमी अगर रह गया होगा तो जिस तरह पार्टी ने भरोसा दिखाया है पूर्ण कुशीनगर जनपद के लोकसभा की जनता को, आश्वस्त करता हूं वो कमी भी पूरा करूंगा और पार्टी के विश्वास पर 100% उतरने का मैं प्रयास ही नहीं करूंगा, भरोसा भी दिलाता हूं आप सभी को। धन्यवाद।